हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आ रहा हूँ वो हमने इंस्ट्रूमेंट रीडिंग के बारे में जानना है कि इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग कैसे करनी है। ये आपका 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का टॉपिक है और ये प्रैक्टिकल बेस भी है। तो MCQ की फॉर्म में ये आपका क्वेश्चन आ जाता है कि दो हमारे पास एम मीटर एंड वोल्ट मीटर के स्केल्स गिवन होते हैं, तो हमें वहां से रीडिंग नोट करके R निकालना होता है। तो R का फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे, V = IR। वोल्ट मीटर की रीडिंग से V आ जाएगा, एम मीटर की रीडिंग से करंट आ जाएगा और उसके बाद हम R का फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लर्न करना है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है, हमने लेनी है अप टू 10 डिविजन्स। तो 10 डिविजन्स आपको नजर आएगा कि 10 डिविजन्स पे क्या लिखा हुआ है। तो 1 डिविजन क्या करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे और उसके बाद पॉइंटर रीडिंग लेनी है, पॉइंटर। ये 3 स्टेप हमने सभी रीडिंग्स में फॉलो करने हैं, ठीक है। मैं आगे एक एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको। मान लीजिए मेरे पास ये वोल्ट मीटर रीडिंग है जिसका स्केल की रेंज है 0 to 3। 0 to 3 वोल्ट तक ये स्केल मेजर कर सकता है। तो हमने रीडिंग लेनी है, मान लीजिए ये हमारा पॉइंटर थर्ड पोजीशन पे है, 0, 1, 2, 3। तो इसकी रीडिंग कितनी हुई, तो हम कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे अप टू 10 डिविजन्स। कितना 10 डिविजन्स पे कितना लिखा हुआ है, 3। तो 1 डिविजन कितना का हो गया, 3/10 मींस 0.3। अब पॉइंटर कितने पे है, पॉइंटर थर्ड पे है, 1, 2, 3। तो इसका मतलब 3 × 0.3, तो ये रीडिंग कितनी आ गई, 0.9 वोल्ट्स, ठीक है। सिमिलरली हम लेंगे एम मीटर की रीडिंग। अब देखिए यहां पे एम मीटर की रीडिंग हम जब लेंगे तो लिखेंगे अप टू 10 डिविजन्स। अब इसकी रेंज 5 तक है, आपको 5 नजर आ रहा होगा, 5। तो यहां पे इसकी रीडिंग की जो रेंज है वो है 5। तो अप टू 10 डिविजन कितना हो गया, 5। 1 डिविजन कितना हो गया, 5/10 मीन्स 0.5। अब पॉइंटर कितने पे है हमारा, पॉइंटर है हमारा 1, 2, 3, 4, 5 पे। तो 5 × 0.5 कितनी रीडिंग आ गई, 2.5 एम्पियर्स। अगर हमने ये जो रीडिंग ली है तो ये इसका मतलब, ये ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल था जिसमें एक स्टूडेंट ने वोल्ट मीटर और एम मीटर की रीडिंग ली है। तो हम R का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, R = V/I। V हमारे पास कितना है, 0.9। I कितना है, 2.5। डिवाइड करके आंसर किस में आ गया, ओम्स में। तो ये मेथड से हम क्या पता कर सकते हैं R फ्रॉम द एम मीटर एंड वोल्ट मीटर रीडिंग, ठीक है। थैंक यू।